गोपी गीत कनक मंजरी छंद में है। कनक मंजरी छंद वो होता है, कनक माने धतूरा, धतूरे का जो जीरा है मंजरी, उसे खाकर नशा हो जाता। इसी प्रकार से इसमें ऐसा साहित्यालंकार है कि गाकर कोई मस्त हो जाए। यदि आप ध्यान देंगे तो ये प्रत्येक 19 श्लोकों में दूसरा अक्षर पूरे श्लोक में मैच करेगा, जैसे ज य तीतेधिकम, श्र य त इंदिरा, द ये त दृश्यताम, वो य रिपीट हो रहा है, त्व ये धृता सवस, वो चारों में य आया। तो पूरे गोपी गीत कनक मंजरी छंद में आता। ये गोपी गीत की क्या महिमा है, हमारे वेदिक वांग्मय में वेदों को कल्प वृक्ष के समान माना गया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, कल्प वृक्ष वो होता है जिसके नीचे बैठकर आप कोई बोनफाइड इच्छा बनाए, भगवान को प्रसन्न करने वाली इच्छा उसको पूरा कर दे। तो ऐसा ये वेद है, और वेद का जो फल है वो श्रीमद् भागवत। इसलिए समस्त शास्त्रों में भागवत का स्थान बहुत ऊंचा है। ये भागवत शुकदेव जी ने परीक्षित को प्रदान की थी। शुकदेव जी जिनका स्थान समस्त वक्ताओं में सर्वोपरि है, जब परीक्षित अपना राज्य त्याग कर भागवत श्रवण के लिए अनशन करके गंगा तट पर, जो आज शुकताल कहराता है, वहां बैठे, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर पधारे। वेद व्यास, पुलस्त्य, पलाहा, अंगीरा इत्यादि, किसी ने व्यासासन ग्रहण नहीं किया। शुकदेव जी 16 वर्ष के थे, निर्वस्त्र, और वो सभा में आए, अनायास ही जाके व्यासासन पर बैठ गए। तो एक तो शुकदेव उसके वक्ता, और दूसरा उसके श्रोता परीक्षित, जो ऐसे वीतरागी थे कि उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य, चक्रवर्ती सम्राट थे, संपूर्ण राज्य को तृण के समान नगण्य समझ के फेंक दिया। वो भागवत के श्रोता, दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ, ये श्रीमद् भागवत महापुराण, जो वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है, और ऐसा फल है जिसे शुकदेव रूपी तोते ने चखा है। शुकदेव उनका नित्य स्वरूप ये है कि वे राधा जी के लीला शुक हैं, अर्थात गोलोक में वे शुक शरीर धारण करके राधा जी की सेवा में चीजें बोलते रहते। अथ राधा जी के द्वारा लालित पालित ये शुकदेव जी। वो जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसमें 12 स्कंद हैं। ये क्योंकि भगवान का ही वांग्मय स्वरूप माना गया है भागवत, इसलिए भागवत के विभिन्न स्कंद भगवान के अंग माने गए। जैसे प्रथम स्कंद उनका वाम चरण कमल है, द्वितीय स्कंद भागवत का ये
भगवान का दाहिना चरण कमल है। तृतीय स्कंद वाम जंघा है, चतुर्थ स्कंद दाहिनी जंघा है, ऐसे ही पंचम स्कंद वाम उरु, षष्ठम स्कंद ये दाहिना उरु, ऐसे करते करते ग्यारहवां स्कंद भगवान का मस्तिष्क, जहां श्री कृष्ण ने उद्धव को ज्ञान प्रदान किया, और बारहवां स्कंद ये उनका बाया हस्त कमल जिसके द्वारा वे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो दसम स्कंद जो है ये भगवान का भागवत का हृदय माना गया, अर्थात भागवत में जो सर्वोत्कृष्ट स्कंद है और भागवत सर्वोत्कृष्ट शास्त्र, उसका सर्वोत्कृष्ट भाग ये है दशम स्कंद। वो दशम स्कंद में रास पंचाध्यायी जो 29वें अध्याय से लेके 33वें अध्याय तक है, ये रास पंचाध्यायी पांच प्राण है। शरीर में हृदय में पांच प्राण है, तो पांच प्राण के समान रास पंचाध्यायी, और उस रास पंचाध्यायी में 29वें अध्याय प्रथम श्लोक से लेके 19वें श्लोक तक ये गोपी गीत है जो भागवत का मुकुट मणि है। तो यद्यपि मेरा ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि उसकी व्याख्या करूं, किंतु श्री महाराज जी के चरणों में अपना सिर रखते हुए उनकी आज्ञा से उनकी अनुमति से ये इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ये चर्चा करने का लाभ क्या है? तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी, उन्होंने कहा कि अपने मन को बोध कराने के लिए मैं राम तत्व को समझूं और स्वांत सुखाय मुझे सुख मिले, और अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। तो ये गोपी गीत से हमें बहुत कुछ मिल सकता है। बताया जाता है कि अगर अपने जीवन में सुधार लाना है तो एक उच्च व्यक्तित्व को आदर्श बनाकर और उसका अनुकरण करें। ये जीवन में आगे उठने का रहस्य। तो हम सब भक्ति मार्ग के पथिक, और कौन सा आदर्श लें गोपियों के अतिरिक्त? ये गोपियों का स्थान इतना ऊंचा है कि ब्रह्मा जी ने कहा बृहद वामन पुराण में, षष्ठी वर्ष सहस्राणी माया तप्तम तपः पुरा नंद गोप ब्रज स्त्रीणां पादरेणुपलब्धये तथापि न मया प्राप्तास्तासां वै पादरेणवः। वे कहते हैं कि मैंने 60,000 वर्ष तपस्या की गोपियों के पद रज को पाने के लिए, किंतु नहीं पा पाया। इन्हीं गोपियों की पदरज के लिए उद्धव जी ब्रज में एक घास का तृण बने थे, और उन्हीं गोपियों के लिए नारद जी ने अपने भक्ति दर्शन में लिखा था, यथा ब्रज गोपिका भाव, कि यदि भक्ति देखनी है, जिस भक्ति का निरूपण मैंने अपने भक्ति दर्शन में किया, यदि उसका पूर्ण स्वरूप किसी भक्त में देखना है तो ब्रज की गोपियों की ओर अवलोकन करें।
उसका पूर्ण प्राकट्य उन गोपियों में होता है। और ये गोपियों ने अपने भक्ति भाव को इस गोपी गीत में प्रकट किया। तो ये गोपी शब्द के लोगों ने कई अलग अलग अर्थ किए। संस्कृत भाषा की विशेषता है कि व्याकरण का अवलंब लेकर एक एक शब्द के विभिन्न अर्थ निकाले जाते हैं। तो एक अर्थ ये निकलता है, गोपी वो है जो अपने प्रेम को गोपनीय रखती है। प्रेम एक लौह के समान है, आप दीपक में शिखा रहती है, उसकी शोभा चार दीवारी के अंदर है। अगर उसी दीपक को आप बाहर ले जाएं, हवा का झोंका आकर उसे बुझा देता। ऐसे ही प्रेम भाव ये गुप्त रखने वाली चीज है, और गोपियां अपने प्रेम को गुप्त रखती हैं, प्रकट नहीं करती, यहां तक कि भगवान को भी गुप्त रखती है। प्रकट नहीं करती हैं कि ये भगवान है, क्योंकि वे भक्ति के धर्म में निपुण है। भक्ति का धर्म है हमारे इष्ट देव क्या चाहते हैं वैसा ही करें। श्री कृष्ण गुप्त रहने के लिए ही तो मथुरा से ब्रज में आए हैं, ताकि कंस जान न पाए। अगर लोगों को ब्रज में पता चल गया कि ये वही अष्टम गर्भ है देवकी का, तो कंस जो बाद में आने वाला था वो पहले ही आ जाएगा। श्री कृष्ण का प्रयोजन ही ये है कि ब्रज में उनकी भगवत्ता गुप्त रहे। ये गोपियां भगवान की भक्तिन चार कदम आगे निकल जाती। श्री कृष्ण कहते हैं मैं ईश्वर नहीं हूं, गोपियां कहते हैं आप मनुष्य भी नहीं है, मनुष्य से भी नीचे हैं, आप अच्छे आदमी नहीं है, आप तो चोर जार शिरोमणि है, अब बताइए। तो प्रेम का स्वरूप ही कुछ ऐसा है, अहेरीव गति प्रेमणः। श्री महाराज जी ने बार बार इस वेदोक्ति को कोट किया कि प्रेम की गति टेढ़ी होती है, जैसे सांप ऊपर टेढ़ा चलता लेकिन जब बिल में जाता है तो सीधा जाता। अब सांप स्वयं बिल नहीं बनाता, वो चूहे के बिल का उपयोग करता। तो चूहा टेढ़ी बिल भला क्यों बनाएगा, चूहा तो सीधी बिल ही बनाता है, उसी का उपयोग सांप करता है। इसका मतलब सांप भली भांति जानता है कि सीधे कैसे जाना है, किंतु जब पृथ्वी पर चलेगा तो टेढ़ा ही चलेगा। ऐसे ही ये प्रेम है, अंदर अनंत प्रेम का समुद्र है गोपियों के, और बाहर पूछे आपकी श्री कृष्ण में आसक्ति है, श्री कृष्ण कौन है ये श्री कृष्ण? तो ये गोपियां अपने भक्ति को गुप्त रखती है। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, और भगवान अपने आराध्य को भी गुप्त रखती है। वो गुप्त रखने वाली जो है ये गोपियां हैं। एक और परिभाषा बनी,
गोभिः इंद्रियाणि पिबन्ति कृष्ण रस इति गोपिः। जो अपनी इंद्रियों से श्री कृष्ण के रस का पान करती, वो आध्यात्मिक मार्ग में चल रही, तो आध्यात्मिक मार्ग में निराकार के उपासक भी चलते हैं, लेकिन वहां पर उनके आराध्य निर्गुण निर्विशेष निराकार हैं। इसलिए निराकार के उपासकों को न भगवान के दर्शन का रस मिलता है, न उनके मुरली की माधुरी का आस्वादन होता है, न उनके चरणों का स्पर्श मिलता है, न उनकी सुगंधि मिलती है। तो ये गोपियां अपने रोम रोम से कृष्ण रस का पान करती है। अब जैसे वो रसगुल्ला होता है ना, तो वो रस में तर हो जाए, क्या मजेदार चीज होगी। ऐसी ये गोपियां अपनी इंद्रियों से कृष्ण रस में तर हो जाती। श्री कृष्ण तो रस स्वरूप है ही, रसो वै सह रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। तैत्तरीयोपनिषद ने कहा कि वे स्वयं रस ही है, लेकिन वो रस का आस्वादन करने की कला ये बिरले के पास है। तो ये गोपियां उस रस का आस्वादन अपनी भक्ति के माध्यम से करती, क्योंकि भगवान ने ऐसी एक शर्त लगा दी है कि जितना तुम्हारा प्रेम उतना ही हम तुमको रस प्रदान करेंगे। तो अगर किसी का चार आने प्रेम है और वो ब्रज में आया, तो उसको ब्रज में निवास करने से चार आने रस मिलेगा। किसी का आठ आने प्रेम है, वो सोचता है अरे इस रज में श्री कृष्ण लोटे हैं, इस रज में श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, ऐसे ये ब्रज में मैं आया हूं। वैसे तो ये ब्रज शब्द जो है, इसकी भी एक ऐसी ही व्याख्या बनी है। ब्रज माने ब्रह्म का रज, तो ब्रह्म के ब को आप रज से जोड़ दें, ये ब्रह्म का रज। अर्थात ब्रज में जो रज है उसकी बड़ी महिमा है। तो जिसका प्रेम बढ़ गया, उसको भीतर से रसानुभूति भी उतनी ही अधिक हो रही है। ये गोपियों का प्रेम एक अगाध समुद्र के समान है। उनको कैसा रस मिलता है, इसका हम लोग अपनी लघु बुद्धि से अनुमान भी नहीं लगा सकते। थोड़ा थोड़ा हम आइडिया लगा सकते हैं भी ऐसा कुछ होगा, और वो क्या है? रस मिलता है वे आगे के श्लोकों में प्रकट करेंगी। तो क्योंकि वे अपनी इंद्रियों से श्री कृष्ण के रस में तर हैं, इसलिए वो गोपी। और एक और परिभाषा भी बनती है गोपी की, गह पांति इति गोप्यः। जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखे, ये गोपियां।